नमस्कार दर्शकों, आशिक भी हूँ, कातिल भी हूँ, सबके चैनलों पे शामिल भी हूँ, खबरें सुनाना, फेक न्यूज फैलाना, बस यही है मेरा उसूल। शुरू करते हैं सबसे सनसनीखेज खबर। चाइना से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन सबसे पहले हमारा न्यूज चैनल पहुंचा चाइना के वुहान जिले में, जहां पे ये वायरस पैदा हुआ। जी हाँ, हमारे संवाददाता गुलाब पहुंच चुके हैं चाइना के वुहान जिले में, आइए उनसे बात करते हैं। जी गुलाब। धन्यवाद जयमन, मैं आज सुबह एक समंदर के रास्ते से चाइना पहुंचा हूं। आते ही मैंने 4 प्लेट मोमोज भी चटका दिए हैं। बताइए वहां क्या स्थिति है। जी बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। क्या कहा गुलाब आपने? जामुन क्या एक बार में समझ नहीं आता, मैंने कहा कुछ नहीं बताऊंगा। अरे क्यों नहीं बताएंगे, हमने आपको चाइना भेजा इतना पैसा खर्चा करके, आप कह रहे बताएंगे नहीं। अरे खर्चा किया तो चैनल के लिए किया, मेरे लिए नहीं, हमारी सैलरी कब बढ़ाएंगे? कि जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। सैलरी सैलरी कहाँ से बीच में आ गई भाई? जामुन जी कैसे बीच में नहीं आएगी, अपना तो तुम दिन रात पूरा एसी में बैठ के बकचोदी करते रहते हो और मुझे यहाँ भेज दिया जान पे खेलने। हाँ बताए यहाँ कितना वायरस है, जान की बाजी लगा के हम यहाँ पे आए हैं, हम ऐसे कुछ नहीं बताएंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन गुलाब जी रिपोर्टिंग करना तो आपका काम है। अरे काम है तो कहीं भी भेजोगे क्या? जब आदमी का काम खतरनाक हो तो उसे पैसे भी खतरनाक मिलने चाहिए। कैसी बात कर रहे हो यार गुलाब, तुम लाइव टीवी पे हो, पूरा भारत तुम्हें देख रहा है, प्राइम टाइम पे खड़े होकर ऐसी बातें करोगे? अब भारत देखे चाहे पाकिस्तान, मैं यहाँ सबसे पहले पहुंचा हूं। अभी 10 मिनट में 500 न्यूज चैनल पहुंच जाएंगे यहाँ, तो देखो पैसा दे दो वरना ये ताजी खबर बासी हो जाएगी। अरे यार मैं कैसे बढ़ाऊंगा तुम्हारी सैलरी, मैं खुद यहाँ पे एक एंकर हूँ, सैलरी पाता हूँ मैं, तुम्हारी कैसे बढ़ा दूं? अरे तो जो बढ़ा है उसको बुलाओ वरना मैं ये खबर बेच दूंगा। नहीं नहीं बॉस बॉस अरे बॉस गजब हो गया, ये गुलाब तुम्हें मना कर रहा है लाइव टीवी पे न्यूज सुनाने से। मेरी सैलरी बढ़ा दो वरना ऑफिस में कोरोना वायरस लाके फैला दूंगा। अरे गुलाब देखो, लाइव टीवी पे सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की जाती है, हैं? वापस आ जाओ, मीटिंग करते हैं, ऐसे बेइज्जती हो रही है, थूतू हो रही है यार चैनल की। और जो कम सैलरी की वजह से मेरे ससुराल में मेरी थूतू होती है उसका क्या, मेरी सैलरी बढ़ा दो। अरे ये लगता है ऐसे नहीं मानेगा, भगत न्यूज चेंज करो, मैं इससे बात करता हूँ तब तक। है उफ ये गंजापन, काश मेरे सर पे भी बाल होते। क्या आप गंजेपन से परेशान हैं? हाँ। क्या आपको लोग टकला कह के बुलाते हैं? हाँ भाई हाँ। क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? हाँ यार। क्या आपकी कोई इज्जत नहीं करता? कोई भी नहीं। तो आज ही यूज कीजिए कम हेयर ऑल और पाइए अपने बाल वापस। आला जादू। क्या आप भी कंघी यूज करते हैं? हाँ। क्या आप भी शैम्पू खरीदते हैं? हाँ भाई हाँ। तो क्या लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाना बंद कर दिया? अरे हाँ यार। क्या लड़कियाँ भी आप पे मरने लगी हैं? बहुत सारी। तो नाचते क्यों नहीं?